नीमच माता मंदिर राजस्थान के उदयपुर जिले में फतेह सागर झील के पास पहाड़ी पर बना हुआ नीमच माता का मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह स्थानीय लोगों के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले पर्यटकों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको नीमच माता मंदिर के दर्शन करवाऊंगा। इस समय मैं उदयपुर के फतेहपुरा सर्कल पर खड़ा हूँ। मंदिर तक जाने के लिए यहाँ से आप बड़ी लेक वाले रोड पे होते हुए मंदिर तक पहुँच सकते हैं। दूसरा जो रास्ता है, अगर आप फतेह सागर पर आए हुए हैं तो फतेह सागर से होते हुए भी माता जी के मंदिर तक पहुँच सकते हैं। ये दोनों ही रास्ते हैं जहाँ आप नीमच माता मंदिर तक जा सकते हैं। दो दिन बाद नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है और नवरात्रि में आप नीमच माता मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। नवरात्रि के टाइम में काफ़ी भक्तों की भीड़ वहाँ पर लगी रहती है, ज़्यादा लोग दर्शन के लिए आते हैं। और इवनिंग के टाइम में, शाम के टाइम में अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो जो नवरात्रि के टाइम में माता जी के मंदिर पर सजावट होती है लाइटिंग से, वो आप देख सकते हैं। सुंदर नज़ारे को वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा सूर्यास्त के टाइम पर भी अगर आप वहाँ पर विजिट करते हैं तो सूर्यास्त का जो देखने लायक नज़ारा है वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। ज़्यादा जो लोग हैं, लोकल है, वो सूर्यास्त के टाइम में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे ही आप फतेहपुरा सर्कल से बड़ी लेक की तरफ आएंगे तो ये वाला बड़ा सा गेट आपको दिख जाएगा। इसी गेट से होते हुए आपको मंदिर तक जाना है। और ये जो रोड है वो बड़ी लेक वाला रोड है, तो बड़ी लेक अगर आप जाना चाहते हैं तो इस रोड से होते आपको जाना है। आगे फतेह सागर लेक पे भी है तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ और सामने की साइड ऊपर जो आप देख रहे हैं पहाड़ी, वहाँ पर मंदिर बना हुआ है। बहुत ही बड़ा गेट यहाँ पर बना हुआ है नीमच माता का। दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ मंदिर के एंट्री गेट पे। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये एंट्री गेट बना हुआ है और यहाँ से हमें सीढ़ियों के द्वारा मंदिर तक जाना है। रोपवे का काम अभी चल रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़े टाइम में रोपवे स्टार्ट हो जाएगा तो रोपवे के थ्रू भी आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ से और वीडियो जो है कंटिन्यू करते हैं। ये मंदिर का एंट्री गेट बना हुआ है और जैसे आप व्हीकल लेके आएंगे तो व्हीकल आपको वहाँ बाहर ही खड़ी करनी पड़ेगी और यहाँ से आपको सीढ़ियों के द्वारा मंदिर तक पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ पर दो रास्ते बने हुए हैं, एक रास्ता यहाँ पे बना हुआ है और एक रास्ता यहाँ पे बना हुआ है। तो मोस्टली ज़्यादातर लोग इस रास्ते से जाते हैं और ये जो रास्ता है वो आगे इसी रास्ते पे मिलता है। तो जैसे भी आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। थोड़े टाइम बाद यहाँ पर नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है तो अभी से ही लाइटिंग जो है का काम चल रहा है। तो इवनिंग में टाइम पर यहाँ पर आएंगे तो लाइटिंग जो है आपको देखने को मिलेगी। तो चलते हैं, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। रास्ते के बीच में ही आपको जगह जगह इस तरह की चेयर और बैठने की व्यवस्था आपको मिलेगी। अगर आप थक जाते हैं तो थोड़ी देर यहाँ पे आप विश्राम कर सकते हैं, उसके बाद आपकी जो यात्रा है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी हम मंदिर तक पहुँचने ही वाले हैं। फाइनली दोस्तों, अभी मैं मंदिर के यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। सामने की साइड में ही ये मंदिर बना हुआ, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के ही आपको मंदिर तक जाना होता है। अगर आप माता जी के लिए नारियल प्रसाद लेके आ रहे हैं तो नारियल जो है वो यहाँ पे आपको वधारना होता है, उसके बाद आपको मंदिर में दर्शन के लिए जाना होता है। ये बोट आप देख सकते हैं नीमच माता का और ये नारियल वधारने की जगह है। यहाँ पर आने के बाद कुछ देर यहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं, उसके बाद आप मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये सीढ़ियाँ बनी हुई है और रेलिंग है। नवरात्रि के टाइम या फिर भक्तों की जो भीड़ है वो ज़्यादा रहती है तो उस टाइम पे ये रेलिंग में खड़े रहकर
मंदिर में दर्शन के लिए जाना होता है। अभी मैं मंदिर के यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। सामने की साइड आप देख रहे हैं, वहाँ से हम आए थे और यह है पूरे उदयपुर का नज़ारा। अभी मंदिर के परिसर में मैं खड़ा हूँ। सामने की साइड में मंदिर बना हुआ है, मुख्य मंदिर है ये। तो चलते हैं, अभी माता जी के दर्शन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नीमच माता नीम के पेड़ से स्वयं प्रकट हुए थे, इसी वजह से नीमच माता कहा जाता है। अभी हम मंदिर के यहाँ पर आ चुका हूँ, आप माता जी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं मंदिर के ऊपर खड़ा हूँ और यहाँ से पूरा उदयपुर का जो व्यू है वो आप देख सकते हैं। सामने की साइड जो आप देख रहे हैं, ये है फतेह सागर झील है, और उसके जस्ट जो आगे दिख रही है वो है पिछोला झील है। पिछोला झील के उसके पास में जो पहाड़ी है वो करणी माता का मंदिर है, और इसके अलावा यहाँ पर दूसरी साइड में आप देखेंगे तो वो वहाँ पर सज्जनगढ़ बना हुआ, जिसे मानसून पैलेस भी कहते हैं। सामने जो आप पहाड़ी देख रहे हैं वो मानसून पैलेस है, तो वहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। और ये है मंदिर नीमच माता का। नवरात्रि का अभी स्टार्ट होने वाली है, और नवरात्रि के टाइम पे यहाँ पर आएंगे तो पूरे दिन जो है यहाँ पर भक्तों की भीड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। किसी भी टाइम यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। अभी मैं इवनिंग के टाइम पे आया हूँ तो बहुत कम जो लोग हैं यहाँ पे दर्शन के लिए आए हैं, और पूरा जो उदयपुर का दृश्य है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी नीमच माता के यहाँ पर रोपे का काम चल रहा है, तो थोड़ा टाइम बाद रोपे भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको रोपे में बैठ के आना होगा, और वहाँ पे आपको बैठना पड़ेगा रोपे में, और ये पूरा बन रहा है और फिर होते हुए वहाँ पे आपको आना पड़ेगा। अभी मैं दर्शन करने के बाद वापस नीचे आ चुका हूँ। अगर आप फतेह सागर पर जाना चाहते हैं तो दर्शन करने के बाद आप झील के पास में जा सकते हैं। उदयपुर में दूसरे मंदिर के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो जो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखते हैं। तो इस वीडियो में इतना सही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।